हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं पहले ही कि हमारा जो ये ट्रेडिंग का चैलेंज चल रहा है, मैं 20,000 से मैंने ट्रेडिंग को स्टार्ट किया है और ये हमारा फिफ्थ डे है और आज मैंने लॉस में ट्रेड को क्लोज किया। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज मेरा जो लॉस था वो और ज़्यादा था, मतलब 12-14,000 के अराउंड हमारा लॉस हो गया था। बट मैंने किस तरह से उसको रिकवर किया, मैं बीच में एक बार प्रॉफिट में भी आया लेकिन लास्ट में फिर मैंने एक गलती की वजह से कि मुझे अपने ट्रेडिंग आज का क्लोज करना पड़ा 2000 के लॉस में। तो आज मैंने बहुत सारे ट्रेड करे थे तो मैं उन सबको डिस्कस करूंगा और किस तरह से आपको उसमें ट्रेड प्लान करना चाहिए वो चीजें भी आप सीखोगे। इसलिए मैं ये ट्रेड प्लान में, मतलब मैं सारी चीजें डिस्कस करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्यों ट्रेड लिया था और क्यों मैंने एग्जिट किया। और आज मेरा लॉस होने का मेन रीजन मॉर्निंग में फिर निफ्टी में जो डीके हुआ था वो भी एक वजह था, क्योंकि उसमें मार्केट हमारे डायरेक्शन में गया फिर भी हमारा डीके बहुत फास्ट हुआ और हमारा लॉस हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और आज हमारे एक प्रदीप भाई हैं, उनकी भी एक क्वेरी थी, उसको भी हमने रिजॉल्व किया। आज उन्होंने फर्स्ट ट्रेड में 500 का प्रॉफिट कमाया था, तो उन्होंने मेरे को बताया जैसा, और उसके बाद फिर उनका लॉस हो गया क्योंकि उन्होंने गलत ट्रेड लिया और फिर उसको काट नहीं पाए। तो उसके ऊपर हमने भी उनसे कुछ डिस्कशन किया था। तो चलिए देखते हैं कि आज हमने कौन कौन से ट्रेड लिए और क्या क्या हमसे गलतियां हुई और किस तरह से हमने उसको रिकवर किया। जो आज हमारा मेजर लॉस था उसको हमने किस तरह से रिकवर किया, जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें हमारा मेजर जो ऊपर लॉस ही लॉस दिख रहा है। तो मॉर्निंग के सेशन में हमारा सिर्फ लॉस हुआ था और उसके बाद हमने फिर उसको रिकवर किया। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको ध्यान से देखना और अपने ट्रेड प्लान में इसको एग्जीक्यूट करने का ट्राई करना, ठीक है। सबसे पहले ऑर्डर बुक पे चलते हैं। तो 9:16 पे आप देख पा रहे हो कि 9:16 पे मैंने फर्स्ट एंट्री बनाई थी। 50 रुपये में मैंने निफ्टी के 22,500 को एक कॉल को खरीदा था और आप देख पा रहे हो कि मैंने इसको 54 में 9:19 पे बेच दिया, मतलब 3 मिनट में। जैसा कि हमारा डेली का होता है, हमारा फर्स्ट ट्रेड जो होता है हमेशा प्रॉफिटेबल रहता है, ऑलमोस्ट अभी तक तो सारे प्रॉफिटेबल ही रहे। तो फर्स्ट ट्रेड मैंने फिर पॉजिटिव क्लोज किया और इसके लिए मैंने टेलीग्राम पे वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड किया था, एग्जैक्ट वहाँ पे टक से टच करके और वापस से चला गया था वो। अगर आप इसके चार्ट में देखना चाहो तो ये निफ्टी का चार्ट है, तो यहाँ भी आप देख सकते हो ये वाली जो लाइन है ये मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करी थी कि मॉर्निंग में अगर यहाँ पे आता तो यहाँ से हमें एक सी का मोमेंट देखने को मिलेगा और मार्केट यहाँ से इतना ऊपर गया, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था जो कि आप भी कर सकते थे अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े होते, तो इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। ये फर्स्ट ट्रेड मैंने वहाँ पे शेयर करा था। डेली मैं फर्स्ट ट्रेड तो ऑलमोस्ट शेयर करता हूँ, शायद ही कभी अगर मैं कन्फ्यूज रहता हूँ तो मैं ट्रेड शेयर नहीं करता हूँ ताकि आप अपने पैसे बचा सको, ठीक है। तो 9:16 पे मैंने लिया और 9:19 पे मैंने कट कर दिया। और इसमें आप एक चीज़ और देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो क्वांटिटी है 550 है, मैंने खरीदा 500 और बेच दिया 550। इसका रीज़न ये था कि कल हमने ट्रेड नहीं करा था क्योंकि मैंने बोला था कि निफ्टी अगर इस रेंज के ये वाला जो रेंज मैंने बना के दिया था, निफ्टी अगर इस रेंज के बाहर निकलेगा तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो निफ्टी पूरे दिन इसी रेंज में रह गया तो फिर हम ट्रेड नहीं कर पाए। शाम में मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी उसकी ले ली थी, ओवरनाइट पोजीशन मैंने कैरी कर लिया था, 3 बजे के बाद मैंने उसको उठा लिया था जिसमें मेरे को अच्छा लॉस हुआ। तो दोनों रिकवर होके मुझे इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट मिल गया था क्योंकि 50 क्वांटिटी मैंने उसको कैरी फॉरवर्ड किया था, ठीक है। उसके बाद हमारा 9:26 पे हमारा फिन निफ्टी का ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया। फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी थी तो 55 पे मैंने खरीदा 360 क्वांटिटी, ठीक है। और 46 पे मैंने उसको अगेन 160 क्वांटिटी और उसमें ऐड कर दिया। उसके पीछे का रीजन क्या था, और मैंने फिर उसको 40 रुपये पे उसको 10:19 में बेचा, मतलब मैंने इसको होल्ड किया लगभग आधे घंटे से ज़्यादा, ठीक है। तो एक होल्ड करना मेरी गलती थी और क्यों मैंने होल्ड किया उसका रीजन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहला जो हमने ट्रेड लिया था तो हमारा था 9:26, ठीक है, 9:26 टाइम हो रहा था। 9:26 के हम फिन निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मैंने वो ट्रेड पंचअप कर दिया था। तो इसको मैं थोड़ा सा ब्रॉड कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो 9:26, ठीक है, पहली ये वाली कैंडल रेड बन गई, ये वाली कैंडल रेड बन गई, ठीक है। उसके बाद ये ट्राई हुआ ऊपर जाने का, ठीक है, उसके बाद फिर से मार्केट ने ये एक बेयरिश कैंडल बना दिया,
ठीक है, तो मैंने इसके रिट्रेसमेंट पे 926, ये 25 से 30 का मतलब ये जो है 25 से 30 का कैंडल ये है, तो मैंने इसमें एंट्री बना ली पी की, ठीक है। और उसके बाद देखो मार्केट यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया है, मैंने 926 पे ये एंट्री किया था और एग्जिट करा है हमारा 1032 पे, ठीक है। 1032 पे अगर आप मार्केट को देखोगे, सॉरी 1032, ठीक है, ये वाली कैंडल, ठीक है। इतना मतलब यहाँ से मैं इसको यहाँ तक लेके आया, लेकिन फिर भी मेरे को प्रॉफिट नहीं मिला, मेरे को उसमें लॉस को बुक करना पड़ा। और एक और रीजन था, मैंने मैंने जब बुक किया ना उसके बाद, ये स्पाइक जो था ये उसके बाद आया, मार्केट यहाँ पे आ चुका था तब मैंने बुक किया और ये स्पाइक उसके बाद आया। अगर मैं वो चीज आपको दिखाऊं तो ये आप देख पाओगे, मैंने ऑलमोस्ट, हाँ ये मैंने ऑलमोस्ट 40 पे इसको बुक कर दिया, नहीं 926, 930, 1020 वाला ना, है ना, 1019 पे मैंने बुक किया था। नीचे आपको टाइम दिख रहा होगा, 1020 का ये टाइम है, मतलब 10:20 से 25 मिनट के बीच का ये कैंडल है, ठीक है। मैं इसको देखो, मैंने इसको 40 में बेचा, उसी टाइम पे स्पाइक करके ऑलमोस्ट 77878 तक गया था, ठीक है। तो अगर 1 मिनट या आधा मिनट अगर मैं इसमें रुक जाता तो ये मेरे को बढ़िया प्रॉफिट देके जाता, क्योंकि हमारा एवरेज बाइंग जो था वो 50 के आसपास का था और ये 70-80 तक चला गया था, ठीक है। तो वो एक तो समझ लो कि वो बाय लक मैं उसमें से जस्ट एग्जिट किया और ये पंप मार गया। ये आप ऑर्डर बुक में देख सकते हो 1032, ठीक है, 1032 पे हमने, सॉरी 1032 पे तो हमारा बैंक निफ्टी का ट्रेड था, 1019, 10:19 पे मैंने ये ट्रेड पंच किया था, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट। तो ये हमारा इसमें जो था हमारा सबसे मेजर लॉस हुआ, क्योंकि क्वांटिटी हमारे पास 520 थी और 520 क्वांटिटी को हमने 55 रुपीज से खरीद के और ऑलमोस्ट 40 पे बेचा, और 46 पे कुछ खरीदा था उसको भी 40 पे बेचा, तो 6 रुपये का इधर और मतलब 10-15 रुपये का इधर लॉस हुआ। तो इसमें हमारा अच्छा खासा लॉस हो चुका था, ऑलमोस्ट 5 या 6,000 का लॉस। अगर आप फिन निफ्टी 20850 का अगर आप देखोगे तो यहाँ भी आपको दिखेगा, 20850 का देखो यहाँ पे 6,588 रुपीज का ये वाला लॉस आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये लॉस मैंने बुक किया क्योंकि मैंने उसके बाद उसको और कैरी फॉरवर्ड करना सही नहीं समझा, ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया था, बट मैं स्पाइक से जस्ट पहले निकल गया तो वो मेरी मतलब लक ने साथ में दिया, ये समझ लो, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ट्रेड बना, क्योंकि यहाँ पे जो ऐसा हुआ तो उसके बाद मैंने जल्दी ही ट्रेड पंच कर दिया बैंक निफ्टी में। बैंक में 1032 में मैंने एक ट्रेड पंच अप किया, और तो 1032 का हम कैंडल देखते हैं कि ऐसा क्या था 1032 पे जिससे मैंने ट्रेड पंच अप किया था बैंक निफ्टी के अंदर। तो 1032 इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। 1032 भी पे भी सेम सिनेरियो है जैसा फिन निफ्टी में मॉर्निंग में हुआ था, पहले एक रेड कैंडल बना, ठीक है, फिर ग्रीन कैंडल बना और फिर ये रेड कैंडल बना 1030 में, और इसके रिट्रेसमेंट पे मैंने इस कैंडल में, इस ग्रीन कैंडल में एंट्री बना ली, इस ग्रीन कैंडल में मैंने पी की एंट्री बना ली, ठीक है। ये 9 EMA के नीचे है, इसे रिट्रेस हुआ है तो यहाँ से अब ये नीचे की तरफ आएगा, बट ऐसा हुआ नहीं, मार्केट यहाँ से ऊपर ही चला गया और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैंने इसमें प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के ही उसके बाद ही मैंने इसमें एंट्री बनाई थी, तो 183 200 पे मैंने लिया वो, और 183 पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मतलब 205 पे मैंने खरीदा और 184 मैंने लगाया था, तो 183.92 पे गुरु ने मेरा ये स्टॉप लॉस हिट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी लॉस हो गया, तो उसके बाद अभी तो लॉस ही लॉस दिख रहा होगा आपको, लेकिन उसको रिकवर कैसे किया वो आगे आपको पता चलेगा, कि मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में मतलब लॉस ही था। उसके बाद फिर 10:42 पे मैंने फिन निफ्टी में कॉल बनाई, ठीक है, 10:42 में, ठीक है। 10:42 के चार्ट पे चलते हैं, तो 10:42, ठीक है, ये 10:42 का फिन निफ्टी का चार्ट है। 10:42 में मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई कॉल के साइड में, जैसा कि आपको दिख रहा होगा,
1042 में मैंने कॉल साइड में एंट्री बनाई और 360 क्वांटिटी ली थी, 58 में खरीदा और मार्केट मतलब पहले ऊपर गया और इसमें मेरे को प्रॉफिट भी दिख रहा था। फिर निफ्टी में मैंने 58 में खरीदा था बट और फिर वापस ये 52 तक आया 1047 में, 1042 में मैंने कुछ क्वांटिटी ली 360 क्वांटिटी और उसको 1047 में मैंने सेल कर दिया। तो 1042 में लिया 47 में सेल किया, मतलब 5 मिनट की ये कॉल थी। तो इसको देखते हैं CNX Phina। देखो 1042 में मैंने इसमें एंट्री बनाई, ये 40 से 45 का कैंडल है और ये जो स्पाइक आया ना नीचे की तरफ, इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ये वाल्दो यहाँ पे आपको सारी कैंडल्स ग्रीन दिख रही होंगी, फिर भी यहाँ पे सी साइड में मेरा लॉस हुआ। ये आप देख पा रहे हो, इसने मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट मार दिया और फिर ऊपर की तरफ निकल गया। तो यहाँ पे भी समझ लो कि मेरा स्टॉप लॉस खा के ही मार्केट ऊपर चला गया और इस जगह पे मैं ट्रेड कर सकता था लेकिन वो उसी लॉस की वजह से, क्योंकि यहीं पे तो मैं एग्जिट ही हुआ था तो मैं यहाँ पे ट्रेड कर नहीं पाया। और एक चीज़ और, निफ्टी में मैंने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शेयर किया था उस पर आप देख पा रहे हो कितना बढ़िया इसने वर्क किया है। इसको आप देखो, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, फर्स्ट टाइम पे इसने आपको सपोर्ट दिया, सेकंड टाइम इसी सपोर्ट पे आया और ये प्राइज एक्शन बना, मार्केट गिरा ऊपर गया फिर टूटा, यहाँ पे एंट्री बन सकती थी। लेकिन इस टाइम पे मैं इसको देख भी रहा था बट मैं इस टाइम पे फिर निफ्टी के ट्रेड में फंसा हुआ था और मैं वेट कर रहा था कि ये टूटेगा तो वो भी नीचे आएगा, क्योंकि मैंने उसमें भी पुट ही बाय करा हुआ था बट वो नीचे नहीं आया। और जब ये वाली कैंडल बनी 1020 वाली, इस कैंडल पे वो नहीं टूटा, 1020 वाली बनी तब वो टूटा जिसमें मैंने बुक कर लिया था लॉस ही। ठीक है, तो इसमें देख पा रहे हो कि यहाँ पे भी हमारा मतलब बाय लक ही समझ लो कि जो भी है, मतलब इसमें भी हमारा लॉस हो गया। इसके बाद फिर आगे चलते हैं उसके बाद मैंने 59 पे 1050 में मैंने एक क्वांटिटी लेनी चाहिए बट वो मेरे को मिली नहीं, तो इसलिए आपको रेड दिखा रहा है, मतलब ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, उसका 1051 पे मैंने 60 रुपीज पे सेम को मैंने 300 क्वांटिटी उठाई और उसको 53 में बेचा। ये क्या था, हमारा पुट था निफ्टी का। ठीक है, निफ्टी का मैंने यहाँ पे पुट खरीदा 1051 पे। तो 1051 पे चलते हैं, ये जब ये वाली ये वाला जो कैंडल बना, ये कैंडल बनी तो ये एक बेरिश कैंडल है, इसके जस्ट बाद ये स्मॉल कैंडल बनी, मैंने इसमें एंट्री बना ली और उसके बाद ये एक कैंडल ऊपर और फिर मार्केट नीचे। अब देख पा रहे हो किस तरह से आज मार्केट ने मतलब प्रॉपर ऐसा लग रहा है जैसे मुझे फंसाने के लिए ही मार्केट आ रहा है। तो इसने कई बार मतलब मुझे ट्रैप किया और एट द एंड मतलब मेरा ऑलमोस्ट 12-13,000 का लॉस चल रहा था इस टाइम पे, क्योंकि एक में ही मेरा 6,000 का लॉस हो गया था, उसके बाद 3 स्टॉप लॉस और हिट हो गए तो जिससे ऑलमोस्ट 1500-1500 रुपये का स्टॉप लॉस ये सारे हिट हो गए। तो यहीं पे हमारा मेरा 10-12,000 का लॉस हो चुका था। इसके बाद और देखते हैं, मैंने 1058 पे इसको क्लोज कर दिया, 1051 पे लिया, 58 पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया क्योंकि मैंने वो 54 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाया था तो वहाँ पे हिट हो गया। उसके बाद फिर जो हमारा जो ट्रेड चेंज हुआ है वो यहाँ से चेंज हुआ है, मैंने फिन निफ्टी में 20,900 का 240 क्वांटिटी कम क्वांटिटी मैंने उठाया 65 रुपीज पे 11 बजे और 11:25 पे उसको सेल किया 90 रुपये में। ठीक है, तो इसने हमारे लॉस को हाफ कर दिया, मतलब इसमें मेरा ऑलमोस्ट 6 से 7 हज़ार का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, इसको देखते हैं, ये मेन है कि किसको डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, क्यों कैसे मैं इसमें रुका रहा और किस तरह से मैंने इसमें प्रॉफिट गेन किया। तो 11:04 पे चलते हैं CNX में, मतलब फिन निफ्टी में 11:04 के कैंडल को देखते हैं। पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ये जो सारे बन गए हैं। ठीक है, अब 11:04 पे चलते हैं, ये 11 बजे इसने ये एक ऊपर की कैंडल बनाई। ठीक है, 23 EMA के ऊपर ऐसे क्लोज हुआ और अगली ही कैंडल है ना इसके नीचे क्लोजिंग दे गया।
ठीक है, ये देख रहे हैं, ये 11 से 11 5 की कैंडल है, इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 20 800 866 या ये ऑलमोस्ट 20 870 तक गया, और हमारा जो ट्रेड पंच हुआ था वो पंच हुआ था 11:04 पे। ठीक है, इसमें देखो आप, ये इस कैंडल में जब ये इसके नीचे ऑलमोस्ट क्लोजिंग देने वाला था तो मैंने इसमें एंट्री बनाई, मतलब लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा रहता था बस उस अगर आपको लग रहा है कि कैंडल क्लोजिंग के बाद मुझे लेना चाहिए था, ऑलमोस्ट वो कैंडल क्लोज ही था तब मैंने इसमें एंट्री बना ली थी, और उसके बाद मैं इसको 11:25 पे मैंने इसको एग्जिट करा। देख पा रहे हो 11:25 ही इसका एकदम हाईएस्ट टॉप था। ठीक है, यहाँ से मतलब इससे पहले समझ लो कि भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा था, जो भी कर रहा था स्टॉप लॉस हिट करके, यहाँ भी स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर गया, वो यहाँ स्टॉप लॉस हिट करके नीचे गया। ठीक है, तो स्टॉप लॉस हिट चल रहा था, इसके बाद फिर यहाँ पे इसने मतलब पलटा और इसने मेरा हाफ लॉस जो है वो रिकवर कर दिया। उसके बाद फिर मेरे पास अमाउंट भी हो गया था, क्योंकि जो रिकवर हुआ तो वो फिर ऑलमोस्ट हमारा फिर से 30,000 से प्लस हो गया था, क्योंकि पहले से हमारा प्रॉफिट चल रहा है 20,000, हमारा ऑलमोस्ट 32,000 हो चुका है, मतलब हम अपने कैपिटल को 1.5 गुना कर चुके हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हम इसी को बढ़ाएंगे, किस तरह से मैं इसको कर रहा हूँ वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर ही रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं निकल गया। ठीक है, तो ये हमारा एक ट्रेड जो था शानदार ट्रेड यहाँ पे चला, जिसमें यहाँ पे एंट्री लेके मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे निकला। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे हो ऑलमोस्ट अगर इसको छोड़ दिया जाए तो पूरा प्रॉपर हमें प्रॉपर राइड करने को इसमें मिल गया। इसके बाद फिर क्या हुआ, तो क्या ट्रेड बहुत सारी करी है मैंने, तो वो सारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 11:25 पे मैं एग्जिट हो गया, उसके बाद फिर 1 घंटे का ब्रेक लिया, और निफ्टी में मैंने 99 पे खरीद के और इसको 104 पे बेच दिया। ठीक है, ये और ऊपर तक गया था, ये 8, 10, 12 तक गया था, बट मैंने इसको निफ्टी का टाइम क्या है, 12:26। ठीक है, तो 12:26 पे निफ्टी में चलते हैं और देखते हैं कि क्यों मैंने इस ट्रेड को पंच किया था। मैं पहले ये सारा क्लीन कर देता हूँ। 12:26 पे चलते हैं। ठीक है, ये 12:25 से 12:30 का ये वाला कैंडल है। ठीक है, और हमारा जो ट्रेड पंच हुआ है 12:26 पे पंच हुआ है, और 12:30 पे मैं निकल गया हूँ, और ये पुट का ही था। ठीक है, तो इसमें भी देखो इसमें मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई और यहीं पे एग्जिट कर दिया, एक ही कैंडल में मैंने इसमें एग्जिट कर दिया। एंट्री लेने का रीजन था, एंट्री आप सोच रहे हो कि एंट्री क्यों लिया था, यहाँ पे मार्केट ने ये जो हमारा 9 EMA था और 23 EMA था इसको ब्रेक किया। ठीक है, ऐसे ब्रेक किया, और ये वाला कैंडल देख रहे हो आप, ये जो विक बना है ना, इसने इसको रिटेस्ट किया, और ये ऊपर हमारा ये भी था, सपोर्ट भी था। जब ये ब्रेक हुआ तो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई और एक ही कैंडल में मैं निकल गया, क्योंकि इस कैंडल में निकलने का मेरे पास दो रीजन थे, कि इस कैंडल से जो मेरा लॉस था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, तो 12,000 का लॉस और फिर इसके बाद ऑलमोस्ट लॉस का खत्म हो जाना, तो वहां पे मैंने ट्रेडिंग को ब्रेक देना जरूरी समझा, मैं यहाँ पे निकल गया, और अगर मैं रुका रहता तो फिर यहाँ पे मेरा लॉस हो जाता, या फिर स्टॉप लॉस हिट होता मैं, या फिर मैं जीरो पे निकलता, कोई प्रॉफिट नहीं मिलता मुझे, बट मुझे मिला और मैं वहां पे निकल गया। ठीक है, तो ये 12:30 पे मैं इसमें से निकल भी गया। उसके बाद जो हमारा ट्रेड पंच हुआ है 1:06 पे हुआ है, 49 में मैंने खरीदा है फिन निफ्टी का, और फिन निफ्टी 49 में खरीदा मैंने 11:06 पे, मतलब 1:06 पे, और इसमें और क्वांटिटी मैंने ऐड किया 1:10 पे, नहीं सॉरी सॉरी, ये 360 क्वांटिटी मैंने खरीदा था, जिसमें से 49 पे खरीदा, 64 पे मैंने एक 160 क्वांटिटी सेल कर दिया, और बाकी को मैं ट्रेल करना चाह रहा था, बट फिर जो 200 क्वांटिटी बची थी जो आपको ये दिख रहा है, मैंने यहाँ पे देखो 360 क्वांटिटी ली, 160 प्लस 200, 300, 360 क्वांटिटी ये पूरा हो रहा है, तो इसको फिर मार्केट और ऊपर नहीं गया तो मैंने फिर इसको भी 61 पे ही निकाल दिया, तो इसमें भी मेरा प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे मैं लॉस को रिकवर करके प्रॉफिट में आ चुका था। ठीक है, 1 बजे तक। ठीक है, अब 148 पे
148 पे मैंने 67 रुपीज़ पे निफ्टी का पुट खरीदा, ठीक है, और उसको मैंने 70 में बेच दिया। मैंने इसको बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं किया, तो हम देखते हैं 148 पे ऐसा क्या हुआ था कि मैंने निफ्टी का पुट ले लिया और 3 ही रुपये के प्रॉफिट में मैंने इसको बेच भी दिया, ठीक है। तो हम चलते हैं 158 के चार्ट पे, तो ये निफ्टी का चार्ट है 158, ये 12:20 12:40 158 ऊपर है। ये देखो 158, एक सेकंड, है ना, हमने कौन कौन से ट्रेड की हम बात कर रहे थे। सॉरी, ये 148 है, मैं 58 बोल रहा था इसलिए मेरे को वहां पे कंफ्यूजन हो गया था, है ना। 148 पे हम देखते हैं, तो 148 पे अगर आप देखोगे तो ये एक है, 1:25 1:30, ये है 148, ठीक है। तो इसमें भी आप देखोगे कि मार्केट 23 EMA के नीचे क्लोज हुआ, है ना, 23 EMA के नीचे गया और एक स्पाइक ऊपर का थोड़ा सा आया और मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई और मैंने यहीं पे इसको एग्जिट कर दिया। ये और नीचे तक गया था, देख पा रहे हो, इसमें अच्छा प्रॉफिट मतलब बुक तो क्या कर सकते थे, फिर से वापस इसने ऊपर आ गया था, बट मैं 3-4 रुपये के प्रॉफिट में इसमें से निकल गया, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेड लेने का रीजन था कि दो बैक टू बैक ये बेरिश कैंडल बनी थी और उसके बाद इसके रिट्रेसमेंट पे मैंने इसमें एंट्री बनाई और फिर इसी में एक ही कैंडल में मैंने एग्जिट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा इसका 148, देख रहे हो, 148 में मैंने लिया और 149 में मैंने इसको सेल कर दिया 3 रुपये में, बस 1 मिनट के अंदर मुझे 3 रुपये मिल गए, मैंने सेल कर दिया। उसके बाद फिर 2:10 पे 168 पे मैंने ये परचेज किया था। ये एक गलत ट्रेड, मतलब ट्रेड तो सही था, ये देख रहे हो, इसको मैंने 68 पे खरीदा, 74 पे मैं इसको सेल भी कर रहा था, बट वो तब तक 74 से नीचे आ गया, मैंने फिर उसको सेल करना चाहा, वो फिर और नीचे आ गया और मुझे फाइनली इसको 57 पे बेचना पड़ा। तो 68 पे खरीद के और 57 पे बेचा, तो इसमें फिर से मेरा लॉस हो गया था, जो अब तक मैं प्रॉफिट में आ गया था वापस से मैं फिर से लॉस में आ गया, ठीक है। 2:01 पे, 2:21 पे, 2:10 पे मैंने इसमें ट्रेड प्लान किया था। तो 2:10 पे अगर हम फिन निफ्टी को देखें तो 2:10 ये है, ये है 2:10 पे मैंने इसमें पुट का प्लान किया था और ये नीचे आया और ये जो कैंडल फिर से बनी जैसे मॉर्निंग में हो रहा था सेम वही हुआ, ये ऊपर गया, वहां से ऊपर गए, इन्होंने मेरा स्टॉप लॉस खा लिया और फिर नीचे आ गए, ठीक है। तो इसने मेरे फिर से लॉस कर दिया। अब देख पा रहे हो, ये 23 EMA के ऊपर टिका नहीं, बट ये ऊपर जाके मेरा स्टॉप लॉस खा के आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से वापस से लॉस में आ गया। और इसमें जो भी आपके कमेंट हो और सजेशन हो मेरे को आप नीचे डाल सकते हो, जो भी आपके सजेशन होंगे या फिर जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उसको मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप से जरूर से जुड़ जाना, उसमें एक ट्रेड तो मैं मॉर्निंग का शेयर करता हूँ अगर वो बनता है सही से तो, क्योंकि मैं वहां पे रिस्की ट्रेड शेयर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे फिर से लॉस में आ गया। उसके बाद फिर और जो ट्रेड बनाया हमने, देख रहे हो, 2:17 पे 74 पे मैंने इसका एग्जिट करना चाहा था, 2:10 से 2:17 पे ये बढ़ गया था, बट उसके बाद फिर लॉस में चला गया। उसके बाद फिर निफ्टी का ही 2:22 पे ही, 21 पे मैं निकला और 22 पे वापस से 48 पे मैंने 520 क्वांटिटी उठाई, 51 पे उसमें से 280 बेचा और 240 फिर से 52 पे बेचा, क्योंकि यहाँ पे फिर से मार्केट रुक गया था, बट ये फिर से अचानक, ये आप तो देख ही रहे होगा, है ना, वापस से फिर ये नीचे की तरफ आ गया था। तो इसमें मेरा और भी अच्छा प्रॉफिट हो जाता बट मैं इसमें से भी एग्जिट कर गया था, तो यहाँ तक मेरा लॉस अब फिर से ऑलमोस्ट रिकवर हो गया था। तो आज पूरे दिन मतलब प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस चलता रहा, कभी मैं प्रॉफिट में कभी प्रॉफिट मेरे में, यही चल रहा था आज। तो इसके बाद फिर ये हमने एंट्री बना ली, उसके बाद 232 पे बनाई और 78 पे, और इसको फिर से 68 पे मुझे बेचना पड़ा, है ना।
यहाँ मैं फिर से लॉस में आ गया। 78 में खरीदा, 68 में मेरा स्टॉप लॉस लग गया, ठीक है। उसके बाद फिर 241 पे मैंने 60 में लिया और 72 में इसको बेचा, 360 क्वान्टिटी। 72 में मैंने ये 160 क्वान्टिटी ही बेचा, ठीक है। 160 मैंने 72 में बेचा, उसके बाद फिर मार्केट और नीचे ही आ गया, तो मैंने फिर उसको 62 में जो मेरा स्टॉप लॉस लगा दिया था तो वो मेरा कट हो गया। तो इसमें मेरा ओवरऑल कुछ प्रॉफिट हुआ, इसने मेरा लॉस फिर से ऑलमोस्ट रिकवर कर दिया। और यहाँ पे 246 में हम देखते हैं कि फिन निफ्टी के चार्ट को, फिन निफ्टी में 246, ठीक है, ये वाली जो कैंडल थी इसमें मैंने ट्रेड बनाया था। ये दो 246 ये वाली है ना, इसमें भी अगर मैं थोड़ी देर और वेट कर लेता, देख रहे कैसी जाइंट कैंडल नीचे की तरफ आई थी, इसमें मेरा एकदम जबरदस्त प्रॉफिट यहाँ पे मैं ले सकता था, बट मैं उसमें निकल गया ऑलरेडी। जब ये ऊपर गया तो उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और मैं बाहर निकल गया, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट हो गया था इस पे 62 पे मेरा। उसके बाद फिर मैंने इसको 65 पे भी सेल कर 65 पे मैंने सेल करने का ट्राई किया था, बट वो हुआ नहीं। उसके बाद मेरा 255 पे मैंने एक एंट्री बनाई और 256 पे मैंने इसको एग्जिट कर दिया, तो 35 पे लिया था, है ना। और देख लो 42 पे मैंने इसको बेच दिया, 560 क्वांटिटी। 255, 256, बस 1 मिनट के अंदर 560 क्वांटिटी लिया और 1 मिनट के अंदर मैंने इसको एग्जिट कर दिया। मतलब पूरा प्रॉपर स्कैल्पिंग जो होता है, 1 मिनट से भी कम टाइम लगा होगा इसमें। 35 पे लिया, 35 रुपये में लिया और 42 रुपीज में बेच दिया। तो इसको देखते हैं कि 255, 256 पे, ये फिन निफ्टी का ही है, तो 255, 256 पे क्या हुआ था। 250, 255, ये देखो, ये जब ये वाली कैंडल बनी, ये वाली कैंडल बन गई, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे इससे पहले मैंने इसमें एग्जिट लिया था, उसके बाद ये वाली कैंडल बन गई और जब ये रिट्रेस हुआ ना तो मैंने इसमें एंट्री बनाई और इसी कैंडल में फिर से एग्जिट भी कर गया 1 ही मिनट के अंदर। तो इसके पीछे का लॉजिक भी सेम था, क्योंकि 23 और 9 EMA, 23 EMA के नीचे एक, ये नीचे एक जाइंट कैंडल बना और उसके रिट्रेसमेंट में मैंने एंट्री ली और सेम कैंडल में मैं एग्जिट कर गया, ठीक है। तो ये सब रिस्की ट्रेड है, इसको आप प्लान नहीं करना, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो ही इन ट्रेड्स को प्लान करना, अदरवाइज प्रॉपर जो कैंडल स्टिक के ट्रेड होते हैं आप उसी को प्लान करो और उसी में ट्रेड करना सीखो पहले, ठीक है। तो इसके आगे जो फिर हमारा क्या हुआ कि यहाँ पे मैं प्रॉफिट में आ गया था, ठीक है। तो अब देख पा रहे हो 3 बजे तक मैं ऑलमोस्ट प्रॉफिट में आ गया था। उसके बाद फिर क्या हुआ, 58 पे मैंने लिया और सेम 3 बजे, और 3 बज के 1 मिनट पे, क्योंकि मूव आया नहीं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई मूव आएगा, बिग मूव आएगा जो 3 बजे आता है, तो मैं 3 बजे डेली एक ट्रेड प्लान करता हूँ, बट वो आया नहीं। तो मैं इसमें सेम प्राइस में ऑलमोस्ट 58 रुपीज में मैंने लिया, 75 पैसे में, और 59 में मैं निकल गया। तो इसमें 3 बज के 1 मिनट में मैंने, 1 ही मिनट में मैं इसमें भी निकल गया। उसके बाद मैंने 10 मिनट वेट किया कि मार्केट में फिर कुछ मूव आएगा, तो उसके बाद मूव आया नहीं, तो मैंने फिर पुट का प्लान किया कि यहाँ से, अब देखो 3:10 पे मैंने फिन निफ्टी में पुट का प्लान किया, तो 3:10 ये है, 3, 3:5, 3:10। जब 3:10 में ये जब ऊपर की तरफ गया तो 9 EMA का जब ये टच कर रहा था तो मैंने इसमें पुट का प्लान किया इसमें, ठीक है, इसमें मैंने पुट का प्लान बनाया। और ये जो ऊपर गया है ना, इसको आप देखोगे ये ऊपर गया, और तो मैंने 53 पे लिया था 240 क्वांटिटी, फिर जब ऊपर गया तो मैंने 49 पे 320 क्वांटिटी और उठा लिया, और ये हो गई गलती, है ना। जो लास्ट में देखो, यहां तक मैं प्रॉफिट में था, है ना, उस 1000-2000 रुपीज का मेरे को प्रॉफिट चल रहा था। इसमें भी जब मैंने 53 में एंट्री बनाई थी पहले मेरे को प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद मैं उस समय निकला नहीं, क्योंकि मेरे को लगा था कि अभी यहाँ से फॉल आएगा, फॉल आएगा, फॉल आएगा, मैं फॉल का वेट करता रहा, और उसके बाद फॉल नहीं आया, मार्केट ऊपर की तरफ थोड़ा सा पंप कर गया। ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो ग्रीन कैंडल बना, फिर ये जो छोटा ग्रीन कैंडल बना, तो इसने मेरा वो जो प्रॉफिट था उसको लॉस में कन्वर्ट कर दिया। तो जो आपको लॉस दिख रहा है लास्ट का 2000 का, वो इसका लॉस है। अगर आप देखो 560 क्वांटिटी को मैंने ऑलमोस्ट 50 रुपये से 45, मतलब 5 रुपये तक
इसको किया तो 2,500 का लॉस मेरे को यहाँ पे हो गया, जिसकी वजह से आज का जो ओवरऑल डे का जो हमारा था वो हमें 2,000 रुपये के लॉस में क्लोज करना पड़ा। तो अगर मैं यहाँ पे भी रुक जाता, ये लास्ट ट्रेड अगर मैं नहीं करता तो मैं आज का दिन प्रॉफिटेबल निकाल सकता था। तो ये तरीका था जिससे मैंने लॉस को रिकवर किया। इसमें भी मैंने कहीं भी मतलब उलझलू ट्रेड मैंने अवॉइड करने की बहुत कोशिश करी। मैंने ट्रेड मानता हूँ मैंने ट्रेड बहुत ज़्यादा करा है, बट इतना नहीं करना चाहिए। बट इसमें बहुत सारे ट्रेड ना 1 मिनट स्कैल्पिंग है, जो मतलब लिया एग्जिट किया। बट उससे भी क्या होता है कि 1 मिनट के स्कैल्पिंग में भी माइंड समझ लो आपका 10 से 15 मिनट तो उसी में चलता रह जाता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो या फिर आप सेम में भी निकल जाओ तब भी। तो इसलिए हमें ट्रेड में थोड़ा सा डिफरेंस रखना चाहिए और कम ट्रेड करने चाहिए। मैं भी ट्राई करूंगा कि इसको और कम करूं, जैसा मैं डेली करता हूं 2, 3, 4, 5 ट्रेड तक ही करता हूं, और छोटे छोटे प्रॉफिट बुक अगर करते जाए तो भी अच्छा रहेगा। क्योंकि लास्ट वाले में ये भी हुआ था कि मैं अगर प्रॉफिट को बुक कर देता तो आज का दिन तो ऑलमोस्ट 4,000 के प्रॉफिट में हमारा निकलता, बट हमारा ट्रेड आज का ऑलमोस्ट 2,000 के लॉस में निकला है। तो ओवरऑल हम अभी तक 20 से लगभग 30,000 तक पहुंच चुके हैं। तो देखते हैं कि हमारी जर्नी किस तरह से चलती है, और अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से इसको इसके बारे में लिखना कि किस तरह से मैंने ट्रेड प्लान किया और इसमें क्या आपको अच्छा लगा, किन चीज़ों को मुझे चेंज करना चाहिए। और अगर आप सीखना चाहते हो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।